हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद अर्शीना। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ मटन शामी कबाब की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 500 ग्राम मटन ले लिया है, बोनलेस मटन, और उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। उसके बाद 200 ग्राम मैंने यहाँ पर ये चना दाल लिया है, इसको मैंने 10 मिनट के लिए पानी में सोक कर दिया था। इसके अलावा यहाँ पर मैंने लिया 2 तेज़पत्ता, 1 जावित्री का फूल, 2 लौंग, आधा चम्मच ज़ीरा, और 8 से 10 यहाँ पर मैंने काली मिर्च ली है, और 2 दालचीनी का टुकड़ा, ये इसमें डाल देंगे। इसके अलावा मैंने 10 से 12 यहाँ पर लहसुन के कलियाँ ली हैं, साबुत लहसुन का इस्तेमाल करेंगे इसमें। 1 प्याज लिया मैंने मीडियम साइज़ की, इसको भी मैंने रफली स्लाइस कर लिया था, और 10 यहाँ पर मैंने ये साबुत लाल मिर्च ली हैं, ये इसमें डाल देंगे। इसके बाद इसमें लेंगे 1 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, इसके बाद इसमें ये 1.5 ग्लास हम पानी डाल देंगे। सभी चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद इसको कवर करेंगे और 4 से 5 विसल्स आने तक इसको इसी तरह से फुल फ्लेम पर हमें पकाना है। देखिए, इसमें 4 से 5 विसल्स आ गई थी, एक बार इसको चेक कर लेंगे। ये जो हमने इसमें तेज पत्ता डाला था ये निकाल देंगे। देखिए, मटन और दाल दोनों अच्छे से पक गई हैं। उसके बाद इसको फुल फ्लेम पर बिना चलाए हमें इसी तरह से पकाना है, जब तक इसका जितना भी पानी है वो सारा सूख नहीं जाता। देखिए, पानी सारा सूख गया है। इसके बाद फ्लेम को ऑफ करेंगे और ठंडा होने के बाद इसको पीस लेंगे। देखिए, इसको यहाँ पे मैंने पीस लिया था। इसके बाद में इसमें ये 2 मीडियम साइज़ के यहाँ पे मैंने प्याज ले लिए हैं, इनको मैंने ऑमलेट कट एकदम फाइन चॉप कर लिया था, ये इसमें डाल देंगे। इसके बाद में कुछ धनिया की पत्तियाँ ली हैं मैंने, इनको भी मैंने फाइन चॉप कर लिया था। चार इसमें मैंने हरी मिर्च ली हैं, इनको भी एकदम बारीक बारीक काट लेंगे। इसके बाद इसमें लूँगी मैं ये 1/2 चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर। उसके बाद इन सभी चीज़ों को अच्छे से आपस में मिक्स कर लेंगे। देखिए, अच्छे से मिक्स कर लिया है इसको मैंने। इसके बाद हम इसको कबाब की शेप देंगे। यहाँ पे मैं अपने कबाब को राउंड शेप दे रही हूँ, आप चाहे तो इसको सिलेंड्रिकल शेप में भी बना सकते हैं। इसी तरह से दूसरा कबाब भी बनाएंगे। इसको पहले इस तरह से बॉल की शेप देंगे और उसके बाद इसको बीच से इस तरह से फ्लैट करते हुए राउंड शेप दे देंगे। इसी तरह से मैंने अपने यहाँ पर सारे शामी कबाब बनाकर रेडी कर लिए हैं। इसके बाद इसको कोट करने के लिए यहाँ पर मैंने 2 एग लिए हैं। इसमें सीजनिंग के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी भुना हुआ जीरे का पाउडर। इसको एग के साथ डालकर अच्छे से विस्क कर लेंगे। इस
उसके बाद एग के मिक्सचर में अपने कबाब को कोट करके हमें फ्राई करना है। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक तवा ले लिया है। इसके बाद इसको फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने 3 चम्मच तेल ले लिया है। इसको हमें शैलो फ्राई करना है। तेल को इस तरह से पूरे तवे पर अच्छे से फैला लेंगे और गर्म होने के बाद इस पर एक एक कबाब को अपने रखकर हमें फ्राई करना है। दो से तीन मिनट तक एक ही तरफ से इसको सेकेंगे और उसके बाद इनको पलट देंगे। दूसरी तरफ से भी इनको इसी तरह से 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। कबाब को हमें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, नहीं तो ये जल सकते हैं। देखिए एक तरफ से फ्राई हो गए हैं, दूसरी तरफ से भी हमें इसी तरह से इनको ऐसे ही कलर आने तक फ्राई करना है। दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इसके बाद हम इनको निकाल लेंगे। उसके बाद शामी कबाब की यहाँ पर प्लेटिंग करेंगे। एक एक करके अपने कबाब को मैंने इस प्लेट में अरेंज कर दिया है। इसको आप सर्व कर सकते हैं चटनी के साथ। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।